इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे एक कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है इनकसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है ठीक है इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है ये एक लीनियर इक्वेशन होती है ठीक है जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की तो यहाँ पर जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपू एक्स एन जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं यानी कि अन नाउन है और ए वन ए टू ए थ्री ए एन अपू बी ए एन और जो बी है ये कॉन्स्टेंट कोफ़िशेंट्स हैं तो यहाँ पर अगर हम इस तरह की लीनियर इक्वेशन जो हैं एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस की कलेक्शन लें तो उस कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं सिस्टम का यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सपोज करें कि हमारे पास इक्वेशन हैं वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू ए वन थ्री एक्स थ्री टू ए वन एन एक्स एन इक्वल टू बी वन सेकेंड ये हमारे पास एक इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है ए टू वन एक्स वन और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके बी टू इस तरह की जो इक्वेशंस हैं हम यहाँ पर एम नंबर ऑफ लीन इक्वेशन्स ले रहे हैं ठीक है तो अप टू एम इक्वेशंस ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री प्लस अप टू ए एम एन एक्स एन इक्वल टू बी एम तो ये हमारे पास जो है एम नंबर ऑफ़ लीनियर इक्वेशन हैं और कितने वेरिएबल्स हैं एन वेरिएबल्स हैं ठीक है, है हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं एम एन वेरिएबल्स हैं ठीक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स एन तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अन नाउन्स हैं वो एन है और नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है एम नंबर ऑफ इक्वेशंस है तो इस कलेक्शन को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेस जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन हों तो उसे हम नाम दे देते हैं सिस्टम का अब हम जो ये हमारे पास सिस्टम है इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में इस सिस्टम को हम किस तरह से लिखते हैं एक्स इक्वल टू बी ठीक है A, B, मैट्रिक्स नोटेशन में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है एक्स और बी क्या है ए हमारे पास जो कोफ़िशेंट्स हैं ठीक है वेरिएबल्स के जो कोफिशियंट्स की जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स हैं ठीक है उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होती है कोफिशेंट्स की जो मैट्रिक्स है और एक्स जो है ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का और जो बी है ये हमारे पास इन कोफिश इन कॉन्सटेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स है ठीक है तो इसको हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं और इस देन हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट थ्रीकोसी मैथड से हम फाइंड आउट करते हैं अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये दो तरह का होता है ठीक है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम और एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ठीक है ये हमारे पास एक जनरल सिस्टम है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का ए एक्स इज़ इक्वल टू बी ठीक है ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास एम नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैं और एन जो है वो नंबर ऑफ अन है ठीक है यानी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की तादाद एन है और इक्वेशंस की तादाद यहाँ पर एम है ये हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर हमारे पास इसके सॉल्यूशन की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं ठीक है थीके? या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये भी पॉसिबल है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे यानी कि जब भी आपके पास एक होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस जब भी आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो, तो सबसे पहली चीज़ उसके सॉल्यूशन के बारे में हम क्या कहते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम मे और मे नॉट हैव ए सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि ए जनरल सिस्टम ऑफ नॉन इक्वेशंस मे और मे नॉट हैव ए सोल्यूशन यानी कि आपके पास ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है वो लाजमी तौर पर सोल्यूशन रखता हो ठीक है मे और मे नॉट हैव ए सोल्यूशन या तो हो सकता है सोल्यूशन हो, हो सकता है सोल्यूशन ना हो अगर आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है वो सोल्यूशन रखता हो तो हम उस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ठीक है इफ सिस्टम has solution then it is called a consistent system सबसे पहले आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हो सकता है कि सिस्टम जो है वो सोल्यूशन रखता हो हो सकता है सोल्यूशन ना रखता हो अगर नॉन होमोजीनी सिस्टम जो है वो सोल्यूशन रखता है देन हम उसे कहते हैं ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है ठीक है और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो तो जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है इफ सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन आपके पास एक सिस्टम जो है वो इनकन्सिस्टेंट है यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्वेश्चन स्टॉप लेकिन अगर आपके पास जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन मौजूद है तो यहां पर आते हैं दो केसेस, ठीक है याद रहे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम की ठीक है होमोजेनियस सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है देन आपके पास सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं कि या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा ठीक है या फिर इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ये हम देखेंगे कि हमारे पास जो है सिस्टम सोल्यूशन यूनिक कब होता है और इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन जो है वो कब हमें मिलते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है वो कब कब कंसिस्टेंट होता है और सोल्यूशन किस टाइप का होता है ठीक है सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी यानी कि नॉन होमोजनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद एम equal to n and matrix a is non singular then system has unique solution x इक्ल टू ए इनवर्स b ठीक है ये एक तरह से हमारे पास थ्योरम है और यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कब होगा जब आपके पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बराबर हों नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के नंबर ऑफ़ अन के और साथ साथ जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है जो कि कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स है ठीक है वेरिएबल्स के जो कोफिशियंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स जो है उसे हम ए का नाम देते हैं तो आपके पास दो कंडीशन हैं कौन कौन सी कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ अनऑम्स के और मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो देन सिस्टम कंसिस्टेंट होता है ठीक है और साथ साथ आपको ये बता दिया कि सोल्यूशन किस तरह का होता है यूनिक सोल्यूशन होता है यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी ये जो सोल्यूशन होगा ये यूनिक सोल्यूशन होगा ठीक है अब यहाँ पर आपको बताया गया कि सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन रखता है यानी कि आपके पास अगर सोल्यूशन रखता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है ठीक है अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखें कि आपके पास जो सिस्टम है विद एम इज़ इक्वल टू एन एंड मैट्रिक्स है इज़ नॉन सिंगुलर देन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट तो हमें ये तो पता चल जाता है कि सिस्टम का सोल्यूशन मौजूद है लेकिन हमें यह नहीं पता चलता है कि सोल्यूशन कैसा है और यहाँ पर हमें ये बता दिया गया है सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन रखता है तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर हो नंबर ऑफ अननाउन्स के और मैट्रिक्स क्या होने चाहिए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए ठीक है ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया एक हमारे पास वो क्या होता है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है वो भी हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में बताता है यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा ठीक है आपके पास लेट ए एक्स इक्वल टू बी बी सिस्टम ऑफ एम लीनियर इन And variables then the equations you can say and then the system has a solution system have a solution if and only if rank ऑफ मैट्रिक्स ए इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी ठीक है ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है वो यहाँ पर अगमेंटेड मैट्रिक्स को शो कर रही है जहां पर हमारे पास जो बी कॉलम मैट्रिक्स है ठीक है बी जो कि कॉलम मैट्रिक्स है उसको भी हम ए मैट्रिक्स में लास्ट कॉलम के तौर पे इंक्लूड कर देते हैं ठीक है ये हमारे पास अगमेंटेड मैट्रिक्स होती है तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट जो है फर्स्ट थ्योरम वो क्या है कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट कब होगा सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन कब होता है जब आपके पास नंबर ऑफ़ इक्वेशन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर हों और जो मैट्रिक्स है ए वो नॉन सिंगुलर हो ठीक है लेकिन यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है वो हमें क्या बताता है कि आपके पास जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसमें इक्वेशंस जो हैं वो m हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो n हैं ठीक है थीके? यहां पर वो कंडीशन नहीं है कि आपके पास n और m बराबर हो यहां पर n और m बराबर नहीं है ठीक है बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते ठीक है तो इन केस अगर एन और एम बराबर ना हो तो फिर हम सिस्टम के कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी के बारे में कैसे बता सकते हैं तो वो हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का रैंक जो है वो बराबर हो मैट्रिक्स ए बी के रैंक के यानी कि एगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर हो ए का रैंक तो सिस्टम जो है वो क्या होता है कंसिस्टेंट होता है हमारे पास जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है ठीक है इसमें यहाँ पर हमें दो चीज़ों का पता चलता है एक तो ये कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा जब आपके पास रैंक ऑफ इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी के और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको पहले से ये पता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है ठीक है तो ये अंडरस्टूड है कि रैंक ऑफ़ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए बी के क्योंकि यहाँ पर इफ़ एंड ऑन लीव का केस है ठीक है इफ़ एंड ऑन लीव केस में हमें क्या होता है कि अगर आपके पास सिस्टम सोल्यूशन है जो सिस्टम है वो सोल्यूशन रखता है तो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के बराबर होगा लेकिन अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है तो वो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करें वो बराबर होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी के तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा ठीक है यहाँ से अब जैसा कि आपने पहले जो थ्योरम देखा उसमें हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा ठीक है कब यूनिक होगा जब एन और एम बराबर होंगे और मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगी तो सोल्यूशन यूनिक होगा ठीक है सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा ऑब्वियसली जब सोल्यूशन यूनिक है तो इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है लेकिन साथ साथ यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि सोल्यूशन यूनिक है लेकिन यहाँ से कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से हमें ये पता नहीं चलता सिस्टम जो सोल्यूशन है वो यूनिक है या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है ठीक है तो वो हमें कैसे पता चलता है ये हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा और हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशनस किसी सिस्टम के कब आएंगे सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ए बी ठीक है अगर तो ए और अगमेंट्रिक मैट्रिक्स ए बी के रैंक्स इक्वल हों तो आपके पास जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है जैसा कि अभी हमने कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से हमें पता चला कि अगर रैंक और रैंक ए बी जो है वो इक्वल होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा सिस्टम हैव अ सोल्यूशन देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सोल्यूशन ठीक है यानी कि आपके पास अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक्स जो है वो बराबर हो तो आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट होता है ये हमें कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से पता चलता है और साथ साथ सिस्टम जो है सॉल्यूशन जो है वो यूनिक बी होता है ठीक है अब हम आते हैं इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन की तरफ अगर आपके पास रैंक ऑफ़ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी आर इक्वल इफ़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी आर इक्वल ठीक है यानी कि आपके पास जो रैंक्स हैं वो इक्वल तो हों क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा ठीक है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया हमें यही बताता है कि अगर आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा यानी कि आपके पास सोल्यूशन होने के लिए सबसे पहले तो सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए ठीक है इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन हमें चाहिए या यूनिक चाहिए तो सिस्टम क्या होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए इफ़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए बी आर इक्वल बट रैंक इज लेस देन the number of variables in the system then system has infinitely many solutions ठीक है यानी कि अगर आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी इक्वल हो यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो और आपके पास जो रैंक है वो क्या हो नंबर ऑफ अननाउन् से लेस हो ठीक है उनसे छोटा हो देन आपके पास यानी कि अग, अगर आपके पास लेट्स है कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो फोर है ठीक है एक सिस्टम के अंदर और आपके पास रैंक आता है थ्री ठीक है किसी मैट्रिक्स ए हो या ए बी हो दोनों का रैंक क्योंकि इक्वल होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये है तो आपके पास रैंक जो है वो आएगा थ्री तो अगर थ्री चूँकि अब थ्री जो है वो लेस देन है फोर से तो लिहाजा सिस्टम कंसिस्टेंट तो है लेकिन यहाँ पर सिस्टम के कितने सोलूशन हैं इन्फीनटली मैनी सोल्यूशनस जो है वो सिस्टम रखता है अब हम आते हैं होमोजेनियस सिस्टम की तरफ होमोजेनियस सिस्टम आपके पास क्या होता है ए एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि बी आपके पास यहाँ पर ज़ीरो होता है ठीक है तो ये एक होमोजेनियस सिस्टम है अब हम देखते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है ठीक है कैसे कंसिस्टेंट होता है देखें सपोज करें कि हमारे पास जो सिस्टम है इस वक्त वो है ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड इक्वेशन है ए टू वन एक्स वन ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू थ्री एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ए थ्री वन एक्स वन प्लस ए थ्री टू एक्स टू प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो अब ये जो सिस्टम है हमारे पास ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है ठीक है होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है बिकॉज दिस सिस्टम इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अगर हम यहाँ पर पुट करें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जीरो पुट करें तो आपके पास दोनों साइड जो हैं वो बराबर आ जाती हैं ठीक है यानी कि आपके पास यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अगर ज़ीरो होंगे तो सिस्टम हमेशा क्या होगा जो हमारे पास इक्वेशन जो हैं वो हमेशा सेटिस्फाई होती हैं ठीक है थीके? इन वैल्यूज से तो लिहाजा हम इसलिए कहते हैं कि ऐसा हमारे पास जो सिस्टम है यानी कि जो होमोजीनियस सिस्टम है ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है सो सच अ सिस्टम एज ऑलवेज कंसिस्टेंट अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है x1 वन जीरो हो x2 भी जीरो हो और x3 भी जीरो हो तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है यानी कि अगर आपके पास जितने भी सिस्टम के अंदर वेरिएबल्स हैं उन तमाम की वैल्यू जीरो होगी तो वो हमारे पास इस सिस्टम का ट्रीवियल सोल्यूशन कहलाता है दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका हमारे पास ट्रीवियल सोल्यूशन लाजमी होता है तो लिहाजा जो होमोजीनियस सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होता है तो एग्जैक्टली exactly यही हमारे पास थ्योरम है थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है सिस्टम ए एक्स इक्वल टू जीरो यानी कि एक होमोजीनियस सिस्टम इन N linear equations with N variables has a unique solution X equal to zero if and only if a is non-singular. ठीक है यानी कि आपके पास जो यूनिक सोल्यून है होमोजेनियस सिस्टम का उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ठीक है और ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस है वो यूनिक सोल्यूशन रखता है ठीक है और ये जो सोल्यूशन है एक्स इक्वल टू जीरो ये सोल्यूशन होता है और ये हम, हम जानते हैं कि ये कौन सा सोल्यूशन होता है ट्रिवियल सोल्यूशन होता है ठीक है अगर हम इस थ्योरम को दोबारा से देखें अगर आपके पास यहाँ पे सिस्टम जो है इन एन लिन इक्वेश विद एन वेरिएबल्स हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन एक्स इज ईक्ल टू जीरो ठीक है जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इफ़ एंड ऑल इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर तो अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है एक होमोजीनियस सिस्टम में ठीक है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशंट्स जो है यानी कि ए मैट्रिक्स है अगर वो नॉन सिंगुलर है तो जो सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम वो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा ठीक है जो कि हमारे पास क्या होता है ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो हमने देखा कि हमारे पास एक होमोजेनियस सिस्टम जो होता है उसका ट्रिवियल सोल्यूशन एटलीस्ट लाजमी होता है ठीक है अब हम देखते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम जो है उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब हमें मिलता है ए सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस इक्वेशंस तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली ये थ्योरम है ए सिस्टम ऑफ एम होमोजेनियस equations n n variables has a non-trivial solution if number of variables ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इक्वेशन्स यानी कि आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स एन ग्रेटर देन एम ठीक है यहाँ पर हमने हमने कहा कि एम होमोजीनियस इक्वेशन हैं और एन वेरिएबल्स हैं तो अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो ज़्यादा हों नंबर ऑफ़ इक्वेशंस से तो आपके पास जो गिवन होमोजीनियस सिस्टम है वो क्या होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है ठीक है तो इस तरह से हमने डिस्कस किया होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन सिस्टम्स को